हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश सिन्हा, आपका भाई, झारखंड जमशेदपुर से। मैं पिछले 2 साल से वियतनाम में रहता हूँ। मैं यहाँ पे योगा टीचर हूँ और मैं ब्लॉग बनाता हूँ वियतनाम के लाइफस्टाइल पे। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वियतनाम के करेंसी में। बहुत से लोग को कन्फ्यूजन है कि वियतनाम का करेंसी का वैल्यू क्या है, इंडियन करेंसी अगर 100 रुपया होगा तो वियतनाम में आके कितना बनेगा। तो मैं वीडियो देख रहा था कुछ दिनों से, तो मुझे लगा वियतनाम के करेंसी में वीडियो बनाना चाहिए। और मेरे दोस्त ने भी, 2-3 दोस्त मुझे कॉल किए थे और बताए थे कि वियतनाम के करेंसी के बारे में आप प्लीज़ वीडियो बनाइए, क्योंकि वियतनाम के करेंसी का जो वैल्यू है वो इंडियन करेंसी से किस तरह मैच करता है, मैच नहीं करता है, क्या है वहाँ का करेंसी का, यहाँ का कितना पैसा मिलेगा, यहाँ का करेंसी इंडियन करेंसी में कितना पैसा होता है, आज इस वीडियो में हम पूरा आप लोगों को बताएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज का वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस अब हम आपको बताएंगे नोट का वैल्यू क्या है। मैंने वियतनामीज डोंग ले लिया है, यहाँ का जो करेंसी है उसको वियतनामीज डोंग बोलते हैं। आप लोग ये समझ लें कि वियतनामीज डोंग होता है। ये यहाँ का सबसे छोटा नोट है, मैं आपको एक एक करके नोट दिखाता हूँ और आप इस नोट को समझिएगा। ये यहाँ का 1000 है, ठीक है, यानी कि ये 1000 नहीं है, ये 1 रुपया है यहाँ का, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये इंडिया जाएगा तो 3 रुपया बनेगा, ठीक है, ये यहाँ का 1 रुपया का है। अब आ गया ये 2 रुपया का नोट, कितना लिखा हुआ है, ये 2000 लिखा हुआ, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 2 रुपये। ये इंडिया जाएगा कितना बनेगा, 3 रुपया बनेगा, ठीक है, 6 रुपया बनेगा, सॉरी, ये 2 रुपया जाएगा, 6 रुपया बनेगा। अब ये आ गया ये 10 का नोट, 5 का नोट भी होता है लेकिन 5 का नोट अभी मेरे पास नहीं है, एक्चुअली मैं मार्केट गया था तो नोट खर्च हो गया। ये है यहाँ का 10 का नोट, ये पूरा जो नोट है ये पूरा लेमिनेशन किया हुआ, देखिए मोड़ दें कुछ भी कर दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये यहाँ का 10 का नोट है, तो गाइस 10 का नोट में कितना लिखा हुआ है देख पा रहे हैं, 10 का नोट में 10000 रुपया लिखा है। तो ये 10000 नहीं है, ये यहाँ पे 10 रुपया में यूज होता है, क्योंकि 10 के बाद पॉइंट लगा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं, और पॉइंट के बाद जो 0 है, 3 0, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये बनेगा इंडिया जाके 30 रुपया। अब लेते हैं 20 का नोट, ये आ गया 20 का नोट, 20 का नोट में कितना लिखा हुआ, 20000 लिखा हुआ। ये कितना, ये यहाँ पे 20 रुपया में यूज होगा, इससे क्या खरीद सकते हैं, यहाँ पे 2 कुरकुरे खरीद सकते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में खरीदते हैं ना, 10 रुपये का एक लेस वाला पैकेट आता है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक्स आता है, तो इसी तरह यहाँ वियतनाम में भी हम सेम इंडिया का जो लेस होता है 10 रुपया का, कुरकुरे होता है, वो पर यहाँ खरीद सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एक खरीद सकते हैं, यानी कि एक लेस और एक कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया 50 का नोट, 50 का नोट में कितना लिखा हुआ गाइस, 50 का नोट में 50000 रुपया लिखा है, 50 लिखा हुआ, फिर पॉइंट लिखा हुआ, फिर 3 0 लिखा हुआ, तो ये वैल्यू कितना हुआ, ये इंडिया जाके 150 रुपया बनेगा। यहाँ का 50000 है, इंडिया का 150 बनेगा। एक्चुअली ये यूज होता है यहाँ पे 50 रुपया में, क्योंकि यहाँ 50 के बाद पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद आप लोगों को पता है कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इससे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे 3 कुरकुरे का पैकेट आ सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स आ सकता है, मतलब यहाँ आप नाश्ता पानी बैठ कर थोड़ा पानी वानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि 50000 है तो 50000 में पूरा वियतनाम खरीद लेंगे, ऐसा गलत फहमी मत रहिएगा, ऐसा गलत फहमी में। और फिर अब बताते हैं 200 का नोट, सॉरी गाइस मेरे पास 100 का नोट नहीं है, एक्चुअली हम सुबह सुबह मार्केट गए थे तो 100 का नोट खर्च हो गया वेज वगैरह लाने। ये 200 का नोट है, कितना लिखा हुआ गाइस यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 2 लाख लिखा हुआ। तो आप लोग तो सोचेंगे अरे वियतनाम का 2 लाख डोंग में तो हम तो पूरा वियतनाम घूम लेंगे, इंडिया में आप सोचेंगे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, 200 का बाद पॉइंट दिया हुआ, तो ये नोट जो है 200 में यूज होगा। जैसे कि आप इंडिया में 200 का नोट रहता है, 200 में क्या होता है, आटा आता है, चावल आता है, नॉर्मल जो चीज़ आता है, सब्जी उब्जी लेके खत्म हो जाता है, सेम इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 किलो भिंडी लेते हैं, 1 किलो भिंडी का दाम 30 रुपया है, तो यहाँ से हमको 30 रुपया देना पड़ेगा, वो वापस करेगा 170 रुपया, ठीक है। तो ये 200 का नोट रहा, 100 का नोट नहीं था। अब यहाँ का वियतनाम का ये है सबसे बड़ा नोट, सबसे बड़ा नोट ये है, कितना लिखा होगा इसमें, इस पर लिखा हुआ है 5 लाख रुपया लिखा होगा, देखिए आप मिलाइए, देखिए 5 लाख लिखा होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 5 लाख लिखा हुआ। ये वियतनाम का जो है सबसे बड़ा नोट है, ठीक है। तो 5 लाख लिखा हो तो ये मत समझिए कि 5 लाख रुपया है बहुत बड़ा होगा, नहीं, ये इंडिया जाएगा तो कितना बनेगा, 1500 रुपया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 500, 500 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद 3 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 के बाद वैल्यू नहीं होता है, आप लोगों का इस पता है अच्छा से। तो ये हुआ सबसे बड़ा नोट, और ये जो है इनका नाम है होचिमिन, जैसे कि हम लोग का वहाँ गांधी जी हैं और ये हैं होचिमिन, सब नोट में इनका ही फोटो मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं जितना भी नोट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 10 का 20 का 50 का, यहाँ पे सबका सबके नोट में इन्हीं का तस्वीर दिया हो, तो यहाँ पर होचिमिन है।
ठीक है, इनका नाम हो ची मिन है। अब मैं आपको बताता हूँ, कल परसों मेरे एक दोस्त फ़ोन किए थे और वो पूछ रहे थे कि राकेश हमको वियतनाम आना है तो वियतनाम का खर्चा क्या है। तो मैं उसको बताया कि वियतनाम का खर्चा अभी जो आने में है वो वियतनाम का खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लगेगा। सो गाइस, आज मैंने आपको वियतनाम के करेंसी के बारे में बता दिया। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से देख रहा था, एक यूट्यूब चैनल है A2 मोटिवेशन करके है, उनका जो चैनल का जो ऑनर है उनका नाम है अरविंद अरोरा सर। आप लोग अगर मोटिवेशनल कुछ वीडियो देखते होंगे तो अरविंद अरोरा सर का वीडियो आप देखते होंगे, उनका चैनल का नाम है A2 मोटिवेशन। तो वो कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, शॉर्ट बीटा वीडियो बना के डाले थे यूट्यूब पे कि अगर कोरोना इतना दिन से इंडिया में है, अगर इंडिया कोरोना से मुक्त हो जाता है तो बहुत सा लोग घर पे बोर हो रहे होंगे, तो आप लोग जरूर कहीं ना कहीं घूमना चाहेंगे, तो आप लोग वियतनाम घूमने आ सकते हैं। और फिर वियतनाम का करेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया का 100 रुपया वियतनाम का जो करेंसी होगा 31,300 कुछ डोंग होगा। ठीक है, उन्होंने बताया जरूर 31,300 डोंग होगा, लेकिन अब तो इंडिया वाले समझ लेंगे अरे बाप रे 31,000 डोंग, 31,000 में तो पूरा वियतनाम घूम लेंगे, खा लेंगे, खरीद लेंगे और फिर इंडिया चल जाएंगे। तो नहीं, यहाँ पे आप बिल्कुल भी गलत हैं। अगर वो वीडियो बनाते हैं उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उनका वीडियो देख के कह के उनका चैनल बहुत बड़ा है, ठीक है, उनके चैनल में सब्सक्राइबर बहुत बड़े हैं, उनके बहुत बड़ा फैमिली है यूट्यूब में, तो उनका वीडियो देख के अगर कोई भी इस तरह से वियतनाम आता है कि 100 रुपये का तो 31,000 हो जाता है, ठीक है, तो गाइस पूरा का पूरा धोखा होने वाला है आपके साथ, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैं आपको बता देता हूं कि ये अगर ये देखो 31,000, ये देखिए ये 31,000 है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये हो गया 10 रुपया, ठीक है, ये हो गया 10,000, ये हो गया 20,000, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा कैमरा में, पता नहीं, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 1,000, 31,000। तो यहां पर आप ये 3 नोट से गाइस क्या खरीद पाएंगे, ये 3 नोट से एक हो गया कुरकुरे या पानी बोतल खरीद सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 20 रुपये का 1 kg आप यहाँ पे सब्जी कुछ भी खरीद सकते हैं, 2 पानी बोतल खरीद सकते हैं, कुरकुरे खरीद सकते हैं, 1 चिप्स खरीद सकते हैं, कुछ भी, और ये 1 रुपया का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग अगर सोच के आएंगे कि वियतनाम हम आएंगे 500 रुपया 1,000-2,000 रुपया लेके आएंगे, वियतनाम में घूम भी लेंगे, खरीद भी लेंगे, तो आपके साथ गाइस धोखा हो जाएगा। और ऐसा जो भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा वीडियो पे आप लोग बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि मैं वियतनाम में हूँ और 2 साल से वियतनाम में एज अ योगा टीचर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और इस चीज़ पे वीडियो बनाते रहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी फोन किए थे 2-3 दिन पहले, तो वो भी बता रहे थे कि राकेश जितना पैसा लाएंगे कितना पैसा लाएंगे तो हम वियतनाम घूम लेंगे, तो बोले 5-10 हज़ार में तो वियतनाम हो जाएगा, हम बोले पागल है 5-10 हज़ार में वियतनाम नहीं होगा, वियतनाम आने का ही खर्चा तो अभी कोविड टाइम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लग रहा है, अरे यहाँ घूमने का खर्चा बहुत है, जैसे आपको वियतनाम का करेंसी से हम रूबरू करा दिए, ये 2-3 वीडियो भी देखे थे, और लोग इंडियन लोग बहुत कंफ्यूज है वियतनाम को करेंसी के लेके, तो आज मुझे वियतनाम का करेंसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाना ही पड़ा, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ इंडिया के मेरे जो भी भाई हैं धोखा में रहें, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। और इस तरह का वीडियो जिनको भी चाहिए वियतनाम के रिगार्डिंग, जिनको भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि मुझे इस टाइप का वीडियो चाहिए, आपका भाई राकेश सिन्हा वियतनाम में ही है और मैं वीडियो आपको तुरंत बना के दूंगा। क्योंकि जो लोग इंडिया में हैं वो वियतनाम के बारे कुछ भी बोल देते हैं कि वियतनाम देश बहुत गरीब है, ठीक है, यहाँ का करेंसी का वैल्यू कम है, यहाँ का ऐसा है वैसा है, तो आप लोग उनके बात पे आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले जो भी कंट्री आप जा रहे हैं उस कंट्री का जो भी मतलब नोट का नाम है उसका नाम जाने, यहाँ का करेंसी का नाम जैसे मैंने आपको बता दिया डोंग बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ का वैल्यू क्या है वो इंडियन करेंसी में आप देख ले कि यहाँ पर इंडियन करेंसी आएगा तो कितना होगा और वो पैसा से क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं, तो धोखा में ना आए, पूरा पता कर लें उसके बाद ही आए। तो इस तरह का नॉलेज अगर आपको चाहिए होगा वियतनाम जो भी आना चाहते हैं, तो इस तरह का नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ वियतनाम में। तो गाइस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना था, बस आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक न्यू मोटिवेशन के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई राकेश सिन्हा को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।